वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे, जिससे जांच में वो पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी बात बता सकें कि उनके सामने सब असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह से उनकी संगति को कुचला, मारा और मौत हुई, जिसका परिणाम ये हुआ है। इसीलिए जैसा कि 2 जुलाई के प्रकरण में पता चल रहा है, बहुत दुखद मौतें हुई और सेवादार ही आयोजन करता थे और सेवादार के परिवार वालों की ही मृत्यु हुई और वही इंजर्ड हुए। उसी में देव प्रकाश मधुकर जो आयोजनकर्ताओं में थे, इंजीनियर के पद से हैं और बहुत सुलझे हुए, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु उनका FIR में नाम है, FIR कटी है उनके खिलाफ। तो मैं उस बारे में ये बताना चाहता हूँ, देव प्रकाश मधुकर हों या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और STF SIT के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर सुनेश टेविल घोषित करेंगे, वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे, जिससे जांच में वो पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी बात बता सकें। बस डॉक्टर के स्टेबल होने का इंतज़ार है, जैसे डॉक्टर स्टेबल उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित हैं, उनके सामने सब असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह से उनकी संगति को कुचला, मारा और मौत हुई, जिसका परिणाम ये हुआ है। इसीलिए बहुत जल्दी उन्हें हम पेश करेंगे और कानूनी तरीके से बिल्कुल कोई उसमें बात नहीं है, और पुलिस एजेंसियों के सामने इससे वो बता सकें और सारी बात सामने आ सके। अभी हम यहाँ से मैनपुरी से एटा हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ इंजर्ड हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो जन्मभूमि है बहादुर नगर में जो गांव है, वहाँ भी बहुत शोक संतप्त परिवार आए हुए हैं, कुछ इंजर्ड के परिवार आए हुए हैं, वहाँ भी जा कर के उसके बाद वहाँ पहुँच कर उनको सांत्वना भी देना है और उनकी आगे की व्यवस्थाएं भी करनी है। और सभी जनपद की कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है मृतकों के परिवार के बारे में, इंजर्ड घायल के परिवार वालों की, उनकी भी समीक्षा करनी है कि क्या क्या वहाँ किया गया है सभी जनपदों में, क्योंकि लगभग बहुत से जनपद हैं जो पास पड़ोस के जनपद हैं, वहाँ के परिवार के मृतक लोग हैं और इंजर्ड हैं। इसीलिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की तरफ से वहाँ बहादुर नगरी, जो कि नारायण साकार हरि का जन्म स्थान भी है, और वहाँ आश्रम पर जाकर ये सारी कार्रवाई को आज ही लगभग हम वहाँ 2 बजे पहुँच जाएंगे और 1 बजे इसमें हॉस्पिटल एटा में होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।